हाँ तो स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम इसमें क्या देखते हैं, उसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि ये मेरे दिमाग में आया कैसे कंसेप्ट। देखिए, हो ये रहा था, अक्सर मुझे चाय बनानी पड़ती थी। तो जब चाय बनाते हैं, अच्छा खासा वाटर बॉयल हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसमें मैंने कुछ शुगर डाल दिया या मैंने कोई चाय पत्ती डाल दी, तो पता चलता था वो अचानक अपना बॉयल होना बंद कर देता था। तो यानी प्योर वाटर के अंदर आप कुछ भी चीज़ मिलाते हैं तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो चेंज हो जाती हैं। तो मेरे दिमाग में तभी पहली बार आया कि ये जो चेंज होने वाली प्रॉपर्टी हैं, ये कहलाएगी बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल, मैंने कई बार ऐसा देखा कि मैं पानी को अगर फ्रिज में रखता हूँ जमाने के लिए, बर्फ़ बन जाए, आइस बन जाने के लिए, तो जब ये आइस बनती थी, बन जाती थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसी वाटर के अंदर अगर मैंने नमक डाल दिया और मैंने उसको फ्रीजर में डाल दिया, तो पता चलता था मैं 10 दिन 20 दिन रख भी रहा हूँ तो भी कोई चेंजेज नहीं देख रहा है, यानी वो आइस नहीं बन रही थी। तो क्या ऐसा कारण रहा, क्या इसके पीछे साइंस है, ये सारे टॉपिक हम पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। यानी कोई भी सॉल्वेंट, न केवल हम जो बात कर रहे हैं वाटर ही नहीं, कोई भी सॉल्वेंट, उसके अंदर अगर आप कोई भी सॉल्यूट मिला रहे हैं नॉन वॉलेटाइल, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, उसे हम बोल रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है वो कॉलिगेटिव। लेकिन ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मुझे तभी देखने को मिली जब एक वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल, यानी नमक में शक्कर मिला रहा हूँ नहीं फर्क पड़ेगा, पानी में नमक मिला रहा हूँ पड़ेगा, पानी में शक्कर मिला रहा हूँ पड़ेगा फर्क, लेकिन पानी में अगर अल्कोहल मिला रहा हूँ नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों वॉलेटाइल है। तो एक वॉलेटाइल होना चाहिए था, एक नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए था, ये दिमाग में मेरे बैठ चुका था। नेक्स्ट, तो हमने इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशंस क्या लिखी, दे आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब दो सॉल्यूशन दो हैं हमारे पास, इन विच वन इज वॉलेटाइल एंड अदर इज नॉन वॉलेटाइल। समझ में आ रहा है, डिपेंड्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, आप लिख सकते हैं ऑफ सॉल्यूशंस। एक्चुअली में यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास बाइनरी होना चाहिए सॉल्यूशन, जिसमें एक वॉलेटाइल होगा और एक नॉन वॉलेटाइल। यानी वाटर हमारे पास है, वाटर शुगर का सिस्टम है, तो वाटर तो हमारे लिए क्या हो गया वॉलेटाइल, और शुगर हमारे लिए क्या हो गया नॉन वॉलेटाइल। तो एक वॉलेटाइल हो गया, एक नॉन वॉलेटाइल हो गया, सिंपल सा लॉजिक है। आ रही है बात समझ में? अगर शुगर और आपने कुछ और ले लिया, NaCl ले लिया, तो फिर दोनों ही नॉन वॉलेटाइल हो गया, तो ये पूरा सिस्टम ही खत्म हो गया, फिर हम कॉलिगेटिव ही खत्म हो गया, हम नहीं पढ़ सकते वहां पर। या वाटर और अल्कोहल ले लिया, दोनों ही वॉलेटाइल हो गया, तो भी नहीं पढ़ सकते। तो एक वॉलेटाइल होना चाहिए और एक नॉन वॉलेटाइल। तो उसकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, वही हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन जो भी प्रॉपर्टी है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल कितने हैं। तो यहां पर आएगा डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड जो वॉल्यूम है इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, यानी सॉल्यूशन की यूनिट वॉल्यूम में वो कितने हैं। इज दैट क्लियर? ये नहीं कि हमारे पास 100 पार्टिकल हैं 10 लीटर में और एक 10 पार्टिकल है 1 लीटर में, बात तो बराबर ही हो गई। 10 पार्टिकल 1 लीटर में, 100 पार्टिकल 100 लीटर 10 लीटर में, तो बात तो बराबर हो गई। तो हमें ये भी देखना होता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल हैं। अब आगे ये किस पे डिपेंड नहीं करती, नॉट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पार्टिकल्स। यानी अगर हम बात करें S-2 SO4-2, दोनों में देखो बहुत बड़ा ही है SO4-2, इतने चार चार ऑक्सीजन है, लेकिन अगर सेम नंबर है तो दोनों ही सेम नंबर सेम अमाउंट में प्रॉपर्टी शो करेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ लिखना पड़ेगा शो सेम प्रॉपर्टीज। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अभी बात का बात है, लेकिन जो भी प्रॉपर्टी है वो सेम शो करेगा। दूसरा पॉइंट, नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑफ पार्टिकल। तो यहां पर सेम नंबर ऑफ Cl-O-2 शो सेम प्रॉपर्टी, यानी Cl पे तो एक ही है लेकिन O पे दो है, तो अगर उनके पार्टिकल सेम है तो उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। समझ में आ रहा है? हो सकता है ये बहुत बड़ा आयन हो या उस पर बहुत ज्यादा चार्ज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, डिपेंड्स नंबर ऑफ आयन्स ऑफ और पार्टिकल। ठीक है, यानी कितने पार्टिकल है इस पे तो डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी है, यानी वाटर है, 1 लीटर वाटर के अंदर एक्स एन ए सी एल डाला, एक्स सी ए सी एल टू डाला, तो यहां पर ये कितना बन जाएगा 2x, जबकि ये कितना बन जाएगा 3x। इज दैट क्लियर?
और अगर मैंने सी ए ओ डाल दिया तो वो कितना बनेगा? वो तो खैर रिएक्शन कर जाएगा, लेकिन ऐसा कोई पार्टिकल जो रिएक्शन ना करे पानी में, अगर वो डाला ए बी, तो आप ये देख लीजिए सेम पार्टिकल सेम शो करेंगे, डिफरेंट पार्टिकल डिफरेंट शो करेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों ही वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपने जैसे एक और एग्जांपल में ले रहा हूँ सी ए एस ओ फोर, तो ये क्या बनाएगा? सी ए प्लस टू एस ओ फोर माइनस टू, समझना बात को। तो यहाँ पर अगर इसका एक्स पार्टिकल डाला तो ये भी कितना बनेगा? एक्स एक्स, यानी ये कितना बन जाएगा? टू एक्स, जबकि ये भी 2x था, ये 3x था। तो इनमें सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी कौन शो करेगा? जिसके पास सबसे ज्यादा पार्टिकल है, 3x। फिर उसके बाद ये दोनों क्या करेंगे? बराबर, भले ही इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, भले ही ये बढ़े हैं आयन, लेकिन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। तो यानी कि आपके पास एक्स पार्टिकल ऑफ एन ए सी एल और एक्स पार्टिकल ऑफ सी ए सी एल टू सेम शो करेंगे, लेकिन एक्स पार्टिकल ऑफ सी ए सी एल टू अलग शो करेगा, क्योंकि वो 3x पार्टिकल बना लेगा पानी में जाते ही। अब सी ए सी, यही यहां इसीलिए लिखा है मैंने सी ए सी एल टू शो मोर प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू एन ए सी एल। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, इस पे भी बहस कर ले। देखिए, मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लिया पहले कि ये होती क्या है। अब ये समझिए, देखिए ध्यान से, कि मेरे पास एक कंटेनर था जिसमें मैंने वाटर ही ले रखा है समझाने के लिए अभी, तो H2O, और ये क्या है? H2O लिक्विड, और ये क्या है आपके पास? H2O वेपर। तो ये H2O वेपर बन रही थी, अच्छा खासा हो रहा था। अब जैसे ही मैंने NaCl डाला या कोई भी नॉन वॉलेटाइल डाला, तो उसकी वेपर तो बनने से रही, इज दैट क्लियर? तो कैसे देखेंगे हम? अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है ना? देखो, हमारे पास ये, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ये वाटर है, वाटर में मैंने H2O रख दिया, तो जनरली वाटर हर एक टेम्परेचर पे वेपर तो बनाता है। आप ये मत सोचना कि सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ही वाटर वेपर में चेंज होता है, हर डिग्री पे, हर पॉइंट पे होता है, इवन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये वेपर बनाता है, समझ में आ रहा है? कभी बर्फ के ऊपर हाथ लगा के ऐसे देखना, वेपर तो बनती है, लेकिन फर्क क्या होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वेपर बनती है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है, यानी 1 ATM जितनी होती है, और वो बॉयल होता है, इसलिए उस जगह हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यहां मैंने टेम्परेचर कुछ भी रख रखा है, लेकिन अभी सिर्फ इतना सोचना क्या वेपर बनेगी या नहीं बनेगी, हर टेम्परेचर पर बनती है। तो एक इक्विलिब्रियम बना रहता है लिक्विड वेपर वर्सेस लिक्विड में, हमेशा एक इक्विलिब्रियम रहता है वेपराइज। चलिए खत्म। अब क्या होता है, जैसे ही आपने इसमें नॉन वॉलेटाइल मिला दिया, NaCl, KCl, कुछ भी मिला दिया, ये पार्टिकल ही डाल दिया मैंने, चौक ही डाल दी, तो वो क्या करते हैं, इस इक्विलिब्रियम को ब्रेक कर देते हैं, वेपर थोड़ी कम बनती है अब। यानी एक बार इक्विलिब्रियम ब्रेक होता है, दोबारा इक्विलिब्रियम बनता है, लेकिन दोबारा जब इक्विलिब्रियम बनता है तो पहले के कंपेयर में वेपर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जब वेपर कम होती है, यानी इक्विलिब्रियम तो बनना है लेकिन पहले के कंपेयर में अब वेपर कम बनेगी, और उसकी वजह से बाकी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी जनरेट होती है। यानी कुल मिला के मेन जो प्रॉपर्टी है वो ये है, बाकी सारी इसकी साइड प्रॉपर्टीज है, यानी सब इसी से रिलेटेड है, लेकिन हम सबको अलग अलग ही पढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो वेपर कितना कम होगा, मान लीजिए ये जो पीएस है ये है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और नॉट है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो सॉल्यूशन का मतलब जैसे ही एनएसीएल डाला तो ये कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? पी नॉट माइनस डेल्टा पी, और डेल्टा पी किसको बताएगा? यहाँ लॉस को। फिर फ्रीजिंग पॉइंट भी लॉस हो जाएगा वेपर प्रेशर कम होने से, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? अब ये बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसी चीज है, बाकी दो चीजें तो लॉस थी, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है? प्रॉफिट है, यानी ये बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, जो पहले जीरो हुआ करता था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये भी अपने आप में एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो अब जीरो नहीं होगा, उसकी वैल्यू होगी सी आर टी। सी यहाँ पर कंसंट्रेशन है, आर गैस कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है। डेप्थ में हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कैसे हम इनको निकालते हैं। तो हमारे पास चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन का मतलब लॉस, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन का मतलब लॉस, यानी फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर सॉल्यूट मिलाते जाएंगे डिप्रेशन होता जाएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बढ़ रही है। दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दूसरी ऐसी प्रॉपर्टी है जो बढ़ रही है, ठीक है ना? तो हम यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ एलिवेशन क्यों नहीं लिख रहे? एक्चुअल में हो ही रहा था कि बाकी सब में तो हमारे पास शुरुआत में भी कोई प्रॉपर्टी हुआ करती थी प्योर सॉल्वेंट की, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए नॉन डिफाइंड था, यानी जीरो ही हम ले रहे थे।
तो हमने इसको डिफाइन ही यहीं किया, इसलिए मैं इसमें एलिवेशन नहीं लिख पा रहा कि पहले डिफाइन नहीं था, अब जनरेट हो रहा है। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन दिमाग में इतना है होना चाहिए कि जैसे जैसे आप सॉल्यूट ज़्यादा मिलाते जाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता जाता है, ज़्यादा होता जाएगा, वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। ये होता क्या है इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आप ये तो समझ लें हमारे चार तरह की प्रॉपर्टी और चारों तरह की प्रॉपर्टीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर पे डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी इसको भी सीखना है। तो ये आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके साथ कुछ और पॉइंट्स भी आ रहे हैं, जैसे क्या हमने इस अभी ये समझा कि पार्टिकल के ऊपर किस तरह से डिपेंड करेगी, कितना अमाउंट में डिपेंड करेगी, ये सभी हमें पढ़ना है। तो पहले तो ये चीज़ें आप लिख लीजिए जल्दी से। देखिए हमने चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में इंट्रोडक्शन लिया है, अब उसको डेप्थ में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। डिप्रेशन का मतलब लॉस, इसको डिप्रेशन की जगह लोवरिंग इन वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लिख लीजिए लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये दोनों का मतलब सही है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो राउट्स हमारी मदद करता है, राउट बोलता है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय प्योर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय प्योर सॉल्वेंट प्रेशर के, इस तरह से निकालना है। लेकिन हमने पहले ही पढ़ लिया है कॉलिगेटिव सिर्फ वहीं पढ़ते हैं जहाँ वॉलेट नॉन वॉलेटाइल हो सॉल्यूट। तो हमारा पास जब सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल होगा तो हम उसको क्या मान लेंगे, इस तरह से जीरो मान लेंगे, क्योंकि प्योर कंडीशन में उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो। तो नॉन वोलेटाइल की वजह से मैंने ऐसा लिखा, और जैसे ही ये जीरो हुआ, जीरो के साथ आप उस किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो रहेगा क्या आपके पास, फाइनली आपको ये देखने को मिलेगा, इसको मार्क करिए, ये हो गया आपके सॉल्यूशन दिस। अब देखते जाइए आप जैसे जैसे वाटर में शुगर मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, शुगर, वैसे वैसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा और सॉल्वेंट का क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। या सुनो, तो ये वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में कम होता जाएगा। जितनी क्वांटिटी में आप शुगर मिलाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पे इसमें एरर आ जाती है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लो कंसंट्रेशन पे ही इन सब फॉर्मूले को बहुत अच्छे से ओबे करेगी, हाई कंसंट्रेशन में एरर बहुत ज़्यादा आएगी, यानी कि हाई कंसंट्रेशन पे हम ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल आप क्या कह रहे हैं, आपने यही चीज ग्राफ में बनाने की कोशिश करी, एक तरफ वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर लिया, एक्स एक्सिस पे आपने टेम्परेचर लिया। तो आपने क्या देखा कि जब प्योर था तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने सॉल्यूशन ले रखा है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा एक से कम होगी। तो कोई भी वैल्यू को एक से कम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम ही रहेगी और नीचे की तरफ रहेगा। जितना ज़्यादा आपने कंसंट्रेशन रख रखा है वही उतना ही नीचे जाएगा वो, इज दैट क्लियर। तो हमारे लिए एक तरह से ये पी नॉट है, ये पी एस है, और इन दोनों का जो डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट एक बार मैं फिर शो कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट आपके पास ये आएगा लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या कहलाएगा, लोवरिंग या फिर डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना आपने सॉल्यूट मिलाया, जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे समझना उतना ही नीचे चला जाएगा। अब आगे प्रूव करना है, तो कोई प्रूव है, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो चलिए करते हैं। हम इतना तो बात जानते हैं कैलकुलेशंस ऑफ लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, हमारे पास आर्टिकल हो गया, तो ये हमारा टाइटल है। हम क्या जानते हैं, वी नो दैट पी सॉल्यूशंस इज एक्स सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय पी नॉट सॉल्वेंट, ठीक है, यानी जितना सॉल्ट मिलाएंगे एक्स सॉल्वेंट उतना कम होगा, पी नॉट तो फिक्स है, पी एस की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स सॉल्वेंट, मेरी आदत है सॉल्यूट पे ही हर चीज को डिफाइन करना, तो सॉल्वेंट को सॉल्यूट की टर्म में कैसे लिखेंगे, वन माइनस एक्स सॉल्यूट पी नॉट सॉल्वेंट, फिर कैलकुलेशंस करना शुरू कर दिया, ये जो है इसको मैं डिवाइड में लेके आ गया, ठीक है। तो मेरे पास डिवाइड में आते ही मैंने बस सॉल्वेंट वर्ड ही हटा दिया, नॉट जब भी आएगा सॉल्वेंट आएगा,
एस आएगा तो सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन का रहेगा। ये मेरे पास वन माइनस रहा, वन को मैं इसको मैं इस तरफ लाया, ये उस तरफ चला गया, तो आपके पास एक्स सॉल्यूट इक्वल टू वन माइनस पी एस अपॉन पी नोट, मैंने ये लिख दिया, मेरे पास आ गया पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट की वैल्यू एक्स सॉल्यूट के बराबर आ रही है। तो ये हमारे लिए हो गया रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो सिर्फ इतना होता लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, लेकिन मेरा मन अभी भी नहीं भरा, मुझे और अलग अलग फॉर्मूले निकालने थे। मैंने एक बार और रखा तो ये एक्स सॉल्यूट की वैल्यू रख दी मैंने, सॉल्यूट एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिख दिया, फिर मैंने इसको अपोजिट कर दिया तो ये भी अपोजिट हो गया, इसको मैंने क्रॉस करा एक तरह से सॉल्यूट सॉल्यूट, तो सॉल्यूट सॉल्यूट जैसे ही क्रॉस होगा तो क्या आएगा, वन आएगा, वन प्लस दिस आ गया। अब जो ये वन आया इसको मैं उस तरफ ले गए तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां तक तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको वहां ले गए तो ये वन हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा पी नोट माइनस पी एस, और हमारे पास हो जाएगा ये। अब इसकी कैलकुलेशंस, ये यहाँ गया माइनस हुआ पी एस अपॉन पी नोट अपॉन पी माइनस एस, एन सॉल्वेंट एन सॉल्यूट ये डिवाइड हो गया, ये हमारे पास नया फॉर्मूला हो गया। और अंतर क्या रहा पहले वाले फॉर्मूले में और इसमें, उसका एक नाम था रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इसमें लोवरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय पीएस, कोई नाम नहीं बन पा रहा है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि दिक्कत ये आ रही है कि हम पहले वाले फॉर्मूले से इससे करेंगे तो हमारे को फायदा होगा, तो ये हमारे पास बेनिफिट है, ठीक है। तो देखिए मैं वापस इसी पॉइंट को बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला भी है हमारे पास, ये फॉर्मूला भी है, क्या दिक्कत आ रही थी इस फॉर्मूले में, इसमें पी नोट आ रहा था इसमें पी एस आ रहा था, दिक्कत ये नहीं है। जब भी मुझे न्यूमेरिकल करना होगा, जब भी न्यूमेरिकल करना होगा मैं यही यूज करूंगा। रीजन, आपको न्यूमेरिकल जब भी दिया जाएगा उसमें सॉल्यूट का मास या सॉल्यूट का मोलर मास पूछा जाएगा, दोनों में से, बाकी सारे पैरामीटर दे देंगे, सॉल्यूट का मास और सॉल्यूट का मोलर मास इसमें दो जगह होगा, ऊपर भी और नीचे भी, तो जो भी मिसिंग होगा वो नीचे ऊपर दोनों होने की वजह से दो जगह होगा, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह होगा। तो आप बच गए बहुत बड़ा, आपको इक्वेशंस लेंथी होने से बच गए, अगर नीचे भी ऊपर भी होता तो आपको ऊपर ले जाना और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा समय लग जाता। तो यहाँ ये मेरी अप्रोच है, चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं उससे हमें बहुत समझ में आएगा। लेकिन एक खास बात जो आपको यहाँ लिखना है, स्पेशल नोट, ये बात मान के चलना ये फॉर्मूला अबव फॉर्मूला इस ये और या ये सिर्फ इस तरह से चल रहा है कि आपने जो पार्टिकल मिलाया है वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है अभी तक, समझ में आ रहा है, यानी आप ऐसे पार्टिकल के लिए ले रहे हैं जो डिकम्पोज नहीं हो रहा। अगर डिकम्पोज हो गया तो आपने तो 10 मोल मिलाए थे, हो गए 20 या 30 40 50, तो दिक्कत हो जाएगी, जो कि मैं पहले ही आइडिया बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ पार्टिकल पर भी डिपेंड करेगा। तो हम जितने पार्टिकल मिला रहे हैं उतने ही पार्टिकल रहे हैं, इसके लिए तो ये फॉर्मूला सही है, लेकिन जितने पार्टिकल मिला रहे हैं और उससे डबल हो गए अंदर जाके, वो डिसोशिएट हो गए, छोटे पार्टिकल बन गए, तो यहाँ साइज का तो कोई मैटर करता ही नहीं है, छोटे हो गए लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई, सारे फॉर्मूले गलत हो जाएंगे। तो ये सारे फॉर्मूले गलत हो जाएंगे तो क्या बनेंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये यहाँ पर नोट लगेगा, अबव फॉर्मूला इज एप्लीकेबल नॉन डिसोशिएट सॉल्ट, इसको अगर कोई सॉल्ट डिसोशिएट नहीं हो रहा तो इस जगह हम क्या बोलेंगे उसको, सॉल्ट, इसको हम बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे शुगर ग्लूकोज एक्सेस्ट्रा, ये बहुत अच्छी चीज है कि ये सब डिसोशिएट नहीं होते, तो जितने पार्टिकल मिलाओगे उतने रहेंगे, तो ये फॉर्मूला बहुत आसानी से लग जाएगा। यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप शुगर, कैन शुगर लाइक दिस, ठीक है ना, ग्लीसरीन बहुत सारे हैं हमारे पास, आपको तो ये बोल देगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, आप ये यूज कर लीजिएगा। तो बच्चों हम एक और टॉपिक कर रहे हैं, एक नई कॉलिगेटिव, लेकिन उसको पहले समझने के लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट समझ लो पहले, फ्रीजिंग पॉइंट होता है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड आर इक्वल, कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है, यानी सॉलिड कोई भी ले लीजिए, एग्जाम्पल आइस, आइस से बनने वाली वाटर वेपर और लिक्विड से बनने वाली वाटर वेपर,
दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो, सेम हो, तो यहां हमारे पास क्या कहलाएगा, इस जगह हमारे पास क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हमारा सॉलिड वेपर लिक्विड तीनों फेज इक्विलिब्रियम में है। समझ में आ रहा है, तीनों फेज एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम पे, और तीनों फेज इक्विलिब्रियम पे होते हैं तो क्या हम इसे ट्रिपल पॉइंट बोल सकते हैं, नहीं। ट्रिपल पॉइंट में एक और चीज इक्वल होती, ये तीनों फेज इक्विलिब्रियम पे भी होते हैं और साथ में बनने वाली वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होती है, तो वो टेम्परेचर हमारे लिए क्या कहलाता, फ्रीजिंग पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सबके दिमाग में ये आ रहा है कि सर वेपर तो सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे ही बनती है, तो गलत है। हम कपड़े सर्दियों में भी सुखाते हैं और सूख जाते हैं जब टेम्परेचर 4 डिग्री 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। आप बोलेंगे सर हवा चलती है उस वजह से, केवल हवा ही नहीं है रीजन, उसके अलावा ये भी तो है टेम्परेचर। अगर वेपर ही नहीं बनेगी तो हवा चलने का क्या फायदा, यानी वेपर बनती होगी तभी तो वो वेपराइज होगा, तभी तो वो आगे जाएगा। तो क्या 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कपड़े नहीं सूखते, सूखते हैं, बस ये है फर्क कि उस समय वेपर थोड़ी कम बन रही होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वेपर ज्यादा बननी चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सॉलिड से बनने वाली वेपर भी बहुत कम होगी और इस समय लिक्विड से बनने वाली वेपर भी बहुत कम होगी और दोनों के वेपर प्रेशर बराबर होंगे। तो यहाँ इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम है और यही हमारे लिए क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर? तो फ्रीजिंग पॉइंट की दो डेफिनेशन है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी, दूसरी डेफिनेशन भी हमारी बन सकती है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू फ्रीज, यानी लिक्विड स्टार्ट टू कन्वर्ट इन क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल सॉलिड्स, जैसे बर्फ बनना जिस टेम्परेचर पर बनना शुरू हुआ है वही। तो यहां पर आपके पास ये पॉइंट है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन मैं अभी स्टैंडर्ड डेफिनेशन लूंगा टेम्परेचर एट विच दिस। ओके, अगर ये सारा 1 atm पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, 1 एक्सटर्नल प्रेशर जो एटमोसफियर का है, वेपर का नहीं बात कर रहा हूं, वो 1 atm में, इफ एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्सटर्नल इज 1 atm, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टीएफ नॉट, नॉट स्टैंडर्ड को समझा देता है। बाकी यहां नॉट का दो मतलब भी हो सकते हैं, एक प्योर सॉल्यूट के लिए भी अपन नॉट यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमारे लिए अभी फिलहाल ये प्योर भी है और इसलिए हम नॉट यूज कर रहे हैं, और हमारा एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm भी है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है कि क्या हम नमक या कोई भी सॉल्ट मिलाते हैं तो क्या इसमें फ्रीजिंग पॉइंट में कोई चेंजेज होता है, होता है तो कैसा होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तब तक आप इस पॉइंट को लिखें। देखो हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें आइस है, प्योर वाटर है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, आइस वेपर के साथ इक्विलिब्रियम पर है, पूरी तरह से आइस वेपर बना रहा है, समझ में आ रहा है, और ये हमारे पास वेपर लिक्विड भी बना रहा है और तीनों फेज एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में। मैंने मान लिया समझाने के लिए कि वेपर प्रेशर इस समय 10 टोर है, क्या है, 10 टोर। तो जैसे ही मैंने इस वाटर के अंदर ऊपर से नमक डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया ढक्कन खोल के, ठीक है, तो जैसे ही मैंने करा तो क्या होगा, आइस पे सॉल्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिक्विड से वेपर पे अप्लाई होती है, सॉलिड से वेपर पे अप्लाई नहीं होती। तो ये जैसे ही NaCl मैंने यहाँ डाला तो ये जो NaCl के पार्टिकल हैं ये इसमें आ चुके हैं, अच्छे से डिजोल्व हो चुके हैं, जबकि आइस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये पार्टिकल इस तरफ, दिक्कत क्या आ रही है कि आइस से जो बनने वाली वेपर है वो तो अभी भी 10 टॉर को ही मेंटेन करेगी, लेकिन लिक्विड से जो वेपर बन रही है वो अब क्या हो गई, पहले से कम हो गई, मान लीजिए वो कितनी हो गई, 5 टॉर। तो यहाँ 5 टॉर है तो ये क्या होगा, ये 10 टोर बनाने की कोशिश करेगा और ये लिक्विड सिस्टम कहेगा तेरा ज्यादा प्रेशर है तू मेरे को दे वापस। तो एक तरह से आइस वेपर बनाएगा, वेपर आइस बनाएगी, तो पूरा का पूरा आइस वेपराइज होते हुए वापस किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, तो सारा का सारा आइस मेल्ट हो जाएगा और ये आपके पास सिस्टम आ जाएगा। अब आपके पास सिर्फ एक ही इक्विलिब्रियम रहेगा, वेपर वर्सेस लिक्विड, आइस पूरा मेल्ट हो चुका है क्योंकि वो 10 टोर बनाना चाहता है और इतना है नहीं, समझ में आ रहा है काम है। तो यहां हमारे पास इस तरह से चेंजेज हो चुका है पूरा। अब हमने क्या करा,
टेम्परेचर कम करना शुरू कर दिया क्योंकि हमें आइस वापस चाहिए था। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर कम किया, हमने क्या करा, -5। तो -5 करते ही आइस का वेपर प्रेशर तेजी से कम होता है, जबकि लिक्विड का वेपर प्रेशर धीरे धीरे कम होता है। तो लिक्विड का हो गया मान लो 3 और वाइस से बनने वाली वेपर का भी हो गया 3। अब तीनों वापस इक्विलिब्रियम पे आ गए। तो ये जब इक्विलिब्रियम पे आए, आइस से वेपर, वेपर से लिक्विड और सब 3 टॉर पे, तो यहां हमारे पास जो बनेगा वो अब नया हमारे लिए क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। और ये जो नया फ्रीजिंग पॉइंट होगा ये हमारे पास आ जाएगा एक तरह से डेल्टा टीएफ, जो कि पहले कभी 0 होता था, अब -5 है। तो लॉस कैसे करते हैं, इनिशियल माइनस फाइव कैसे करेंगे, दिस माइनस दिस, और ये हमारे पास कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब कैसे करा, 0 माइनस माइनस 5, 5 हो गया। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपने आप में क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि वर्डिंग्स में नेगेटिव है। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारे पास काम हो गया। तो डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब ये कर्व से कैसे समझाएं, हम कर्व से ऐसे समझाएंगे हम कि ये कर्व हमारे पास आ रहा है जब प्योर था, क्या था, प्योर था। ये कैसे आएगा, प्योर मतलब सॉल्यूट, प्योर था, सॉल्वेंट था, कुछ भी नमक नहीं मिला है तो आपके पास ये है। लेकिन अगर जैसे ही सॉल्ट मिलेगा तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा, ये तो है सॉल्वेंट और ये है आपके पास सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्यूट मिला होता है, सॉल्वेंट बोल रहे हो तो नहीं है इसका मतलब, वेपर प्रेशर कम। तो ये हमारे पास पहले फ्रीजिंग पॉइंट यहां था, अब यहां हो गया, पहले की तरफ कम हुआ है। तो आपका मूवमेंट किस तरफ हुआ है, इस तरफ हुआ है, ध्यान से देखिएगा, मूवमेंट किस तरफ हुआ है, इस तरफ हुआ है, यानी लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। इस तरफ जाता तो क्या होता, प्रॉफिट, समझ में आ रहा है। तो यहां हमारे पास लॉस हुआ है। तो ये लॉस हम कैसे कैलकुलेट करें, मैं तो इतना जानता हूं कैलकुलेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा टी एफ जो होगा वो लॉस इन वेपर प्रेशर पे ही डिपेंड कर रहा है, और डेल्टा टी एफ अपने आप में किसके प्रोपोर्शनेट है, एक्स सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि मोलालिटी, सारी कंसंट्रेशन एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होती है, मोलालिटी। तो डेल्टा टी एफ किसके प्रोपोर्शनल हुआ, मोलालिटी, प्रोपोर्शनल हटाया के एफ मल्टीप्लाई बाय एम। तो अब आपके दिमाग में आ रहा है सर आपने मोलालिटी की जगह मोलरिटी लेते तो क्या फर्क होता, मैं वो कंसंट्रेशन यूनिट लेना चाहता था जो टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे क्योंकि यहाँ टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो मोलरिटी लेता तो गलत हो जाता, मोलालिटी बेस्ट है इस जगह। तो मोल फ्रैक्शन भी छोड़ सकते थे, नहीं, मोल फ्रैक्शन बहुत वैल्यूज हमारे पास माइनर आ जाती है, हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती, तो फिजिबल यहाँ पर मुझे मोलालिटी ही दिखा, मोलालिटी मेरे हिसाब से छोटी मम्मी, ठीक है ना। अब वेयर डेल्टा डी एफ क्या होगा, सॉल्यूट माइनस सॉल्यूशंस, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, यूनिट हमारे पास होगी, यूनिट अपने आप बना सकते हो, केल्विन केजी पर मोल, समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास होगा। केएफ की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करेगी ये मैं बता दूं आपको, सिर्फ और सिर्फ ये किस पे डिपेंड करेगी आपके पास, क्योंकि सॉल्वेंट पे, बस और कुछ भी नहीं सोना। क्या ये सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी, नहीं। क्या ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी, नहीं। क्या ये अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी, नहीं, सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट और कुछ भी नहीं। तो ये अभी अपन और लिख लीजिएगा, बाकी आपके पास सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। तो द वैल्यू ऑफ के एफ, वैसे भी कोई कॉन्स्टेंट होता है तो वो इसमें आने वाली टर्म्स पे डिपेंड नहीं करता। एम में क्या आता है, सॉल्यूट का मोलर मास भी आता है, उसके मोल भी आते हैं, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगी, समझ में आ रहा है। तो ये लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने केएफ के बारे में देखा, केएफ के बारे में देखा हमने, तो केएफ के बारे में कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। केएफ को हम क्या बोलेंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट, केएफ इंडिपेंडेंट, ऑन नेचर एंड क्वांटिटी, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों की ही क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो किस पे डिपेंड करता है, केएफ डिपेंड्स ओनली ऑन, केएफ डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केएफ की वैल्यू अलग अलग होगी, समझ में आ रहा है।
तो ये हमारे पास अलग अलग के लिए अलग होगी, यानी अगर आपके पास वाटर है और अल्कोहल है तो वाटर और अल्कोहल में अलग के लिए अलग होगा। तो हमारे लिए फोर्थ पॉइंट हो रहा है यहाँ पर कैलकुलेशंस ऑफ केएफ। तो ये जो केएफ की वैल्यू है इसको हम थ्योरिटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो है मरीटा स्क्वायर अपॉन 1000 हीना, 1000 हीना यानी डेल्टा एच। अब ये डेल्टा एच क्या है, यहाँ पर ध्यान से सुनना, एफ का मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एम का मतलब यहाँ पर मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, आर गैस कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है, इज दैट क्लियर। तो यहाँ हमारे पास ये सब चीज़ें रखना है, मोलर मास आपको ग्राम में रखना है, इसीलिए मैंने 1000 का डिवाइड कर दिया, क्योंकि वैल्यू किलोग्राम में रखनी थी लेकिन आधा ग्राम में रखनी है। आर 0.0821 नहीं, अब यहाँ पर आर को रखेंगे जूल में, और डेल्टा एच भी रखेंगे जूल में, और के रखेंगे कैलविन में। तो हर चीज़ का ध्यान रखना। तो एम डब्ल्यू टी हमारे लिए क्या है, यहाँ पर मोलर मास ऑफ क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट। और हमारे लिए आर क्या है, यहाँ पर गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है आपके पास 8.314 जूल पर मोल पर कैल्विन। और डेल्टा एच एफ आपके पास क्या होगा, डेल्टा एच एफ होगा आपके पास एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बस इतना ध्यान रखना, अगर ये कैलोरी में है तो इसको भी कैलोरी में रखना, ये जूल में है तो ये भी जूल में, और इसकी या आपके पास जूल में कितना होता है, टू कैलोरी में कितना होता है, 2 कैलोरी पर मोल पर कैलविन। ये आपके पास हो गया 10। आपको ये समझ में आ गया, लिखें इसको लीजिए। एप्लीकेशंस ऑफ डेल्टा टी एफ। फर्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर, यानी इस कंसेप्ट का जो डेल्टा टी एफ है, यानी हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ डिप्रेशंस, लिखी मेरे साथ ही लिख लीजिए, डिप्रेशंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए मैं इसके काफी यूजेस कर सकता हूं। फर्स्ट यानी हम फर्स्ट एप्लीकेशंस कैसे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम इसको फर्स्ट एप्लीकेशंस कैसे देख रहे हैं, एप्लीकेशंस की बात चल रही है। तो देखिए सबसे पहले आपने कहां देखा इसका यूज, मैं बताता हूं, इन प्लांट ऑफ आइस, प्लांट आइस फैक्ट्री जैसे बोल सकते हैं, इन आइस फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री। एक्चुअल में क्या होता है, आइस फैक्ट्री वर्क कैसे करती है आप समझना, आइस फैक्ट्री के लिए देखिए, आइस फैक्ट्री में इस तरह से एक प्लांट डलता है जिसके अंदर अमोनिया गैस इस तरह से रहती है, समझना। तो यहां से क्या होती है, कोल्ड अमोनिया आती है लिक्विड, जो कि लिक्विड में रहती है, और यहां पर नॉर्मल अमोनिया निकल जाती है जो कि अब क्या बन चुकी है, वेपर। तो ये काफी चिल्ड होती है, और इसके बीच में आपके पास क्या होता है, इस जगह समझेंगे, वाटर सप्लाई रहती है, ये वाटर आ गया आपके पास, पूरा वाटर चल रहा है। ये हो सकता है आइस फैक्ट्री के अंदर ये काफी बड़ा एरिया हो सकता है ये 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर या 500 मीटर तक का होता है, डिपेंड करता है आइस फैक्ट्री कितनी बड़ी है, उतना ही बड़ा आपको ये प्लांट लाना पड़ता है। तो यहाँ अमोनिया किसका काम करती है, फ्रीजर का, समझ रहे हैं आप। अब इसके अंदर क्या होता है, इस अमोनिया के अंदर हम एल्यूमिनियम के बॉक्स में इस तरह से एल्यूमिनियम का बॉक्स रहता है, और हम क्या कर देते हैं, वाटर भर देते हैं। ये जो आता है ये प्योर वाटर होता है बॉक्स के अंदर, प्योर वाटर। तो बताइए प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, इस जगह 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो ये वाला अंदर है, बाहर की तरफ जो वाटर होता है, ये होता है आपके पास सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, यानी हम इसमें NaCl एक्वास रखते हैं।
तो बताइए इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि नमक कितना मिला हुआ है, और मैंने नमक इतना मिला रखा है कि ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो नहीं जम रहा, समझ में आ रहा है? तो यहां से ये -10 तक नहीं जम रहा, लेकिन अंदर वाला तो जमेगा, एल्यूमिनियम पॉट है, तो ये अंदर वाला जो एल्यूमिनियम पॉट है ये तो आपको जमता हुआ दिखाई देगा, समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपके पास एल्यूमिनियम पॉट हो गया जो बंद है। तो बताइए बाहर वाला पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाएगा, लेकिन अंदर वाला पानी इस तरफ वाला, बाहर वाला पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम पाएगा क्या? नहीं। अंदर वाला जम जाएगा? हाँ। तो बस यही होता है, यानी हम जो पानी यूज करते हैं ना सर्कुलर अंदर ले जाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं मालूम है? उसके अंदर हमारे पास पूरा का पूरा जो वाटर होता है उसमें नमक इतना मिला दिया जाता है, इतना नमक मिला दिया जाता है कि वो जमेगा ही नहीं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ले जाते हैं -20 -30 डिपेंड ऑन एप्लीकेशन, समझ में आ रहा है? और इसको हम क्या करते हैं, ऐसी बहुत सारी क्रेन्स हमारे पास अटैच रहती है, बहुत सारी ऐसे, और इन क्रेनों को एक साथ एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, जिस पुली से खींचना है, जैसे ये जम चुका है, जमने में 1 सेकंड तो लगेगा नहीं, घंटों लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे, 8 घंटे, उतने दिन में ये इसको खींचेंगे ऊपर ले जाएंगे, फिर इसकी जगह फ्रेश वाला वाटर वाला वापस भर के डाल देंगे, समझ में आ रहा है? ये अब आइस बन चुका है। तो एक तरह से एल्यूमिनियम का जैसा पोर्ट होगा वैसी की वैसी आइस की सिल्ली बन जाएगी, सिल्ली बोलते हैं अपन, उसको निकाल देते हैं, यूज करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारे पास एक तरह से ऐसा बन चुका है, ये दूसरा हमने रख दिया, और इसमें भी हमारे पास प्योर वाटर है, और इनको पूल कर लेते हैं। तो एक तरह से हमारे पास क्या हुआ, हमने NaCl यहाँ यूज कर रहे हैं, और यहाँ हमारे पास क्या है, प्योर प्योर वाटर वाला है। आ गई बात समझ में या नहीं आई? आ गया। तो ये तो आपके पास एक एप्लीकेशन है, क्या और भी एप्लीकेशन बन सकती है? हाँ, दूसरी एप्लीकेशन, यानी आपने क्या किया, वाटर को आइस करने के में कन्वर्ट करने में आइस का वाटर का यूज किया, यानी पानी को जमाने के लिए पानी का ही यूज किया है। कैसे? यहां पानी शुद्ध रखा है, प्योर रखा है, और बाहर पानी क्या रखा है, अपने सॉल्यूशन रखा है नमक वाला, समझ में आया? नमक वाला पानी जमेगा ही नहीं, कितना ही ठंडा कर लो, लेकिन उस मुंह तो कर सकता है, सर्कुलेट तो कर सकता है। अगर आपको नमक वाला पानी नहीं लेना था तो फिर आपको क्या लेना पड़ता है यहाँ पर, मर्करी लिक्विड, जो कि बहुत महंगा है, कर ही नहीं सकते। तो इससे अच्छा सस्ता और कुछ भी नहीं हो सकता था, बाहर वाला पानी जमेगा नहीं, अंदर वाला पानी आसानी से जमेगा। आ रही है बात समझ में? तो ये तो एक एप्लीकेशन हुई। दूसरी एप्लीकेशन जो ये जो हम बात कर रहे हैं फॉरेन में, यूरोप में बहुत ज्यादा ठंड रहती है, रशिया में बहुत ज्यादा ठंड रहती है, तो ये क्या करते हैं, सड़कों पे नमक डाल देते हैं रात को, तो जो ओस गिरती है, जो आइस बनने की प्रोसेस होता है उसमें वो क्या होता है, फ्रिज नहीं हो पाती, और वो क्या होता है, सड़कों पे किनारों पे बाकी बह के पानी क्या हो जाता है, फ्लो कर जाता है, तो बर्फ नहीं बनने देता वो सड़कों के वहां पर। इज दैट क्लियर? क्योंकि जैसे ही आप नमक डालोगे तो वो जो बारिश होती है रात को वो इतना ठंड होती है कि वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है अगर, लेकिन बर्फ डालने की वजह से वो आइस में कन्वर्ट नहीं होगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, एक और जगह जरूरत पड़ती है मुझे, मैंने क्या करा, मैंने एक आइसक्रीम वाले से पूछा, जो चुस्की नहीं भेजता कि घर घर पे जाके ठंडी कुल्फी बोलते हैं अपन, कुल्फी, उसके बॉक्स में क्या करा मैंने देखा, उसका जो बॉक्स होता है वो कुछ इस तरह का होता है, यहां से वो पैक रहता है। मैंने कहा आप इसमें क्या भरते हो? उसने कहा भाई मैं इन दोनों में के बीच में आइस पीस भर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, इससे क्या होता है, टेम्परेचर क्रिएट होता है, ये ढक्कन हो गया, इसमें आइसक्रीम होती है, और इसमें क्या होता है, आइस, और ये क्या होता है, वुड पीस, ये वुड पीस हो गया पूरा। अब आइसक्रीम बेचने वाला इतना पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज उसको है, वुड पीस, ठीक है, और अंदर आइस है। तो बताइए आइस का टेम्परेचर कितना होगा इस जगह, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और आइसक्रीम का भी कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इससे तो आइसक्रीम जमेगी नहीं, क्योंकि आइसक्रीम जमती है उसमें शक्कर रहती है ना, तो आइसक्रीम जमती है -2 या -3 पे। आ रही है बात समझ में? अब आइसक्रीम जमेगी क्या? नहीं, मना कर देगी, मैं नहीं जम रही। तो वो क्या करता है, नमक डाल देता है, NaCl डालता है इस बर्फ में, आइसक्रीम में नहीं, आइस में, आइस वाले में। तो ये क्या हो जाएगा, पिघलने लगेगी, क्योंकि
इसका फ्रीजिंग पॉइंट तेजी से कम होने लगेगा, पिघलेगी तो ये क्या करेगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी, तो इससे इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो के कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस सपोज 5 डिग्री हो गया या -10 हो गया, इस रेंज में पहुंच जाएगा जितना नमक डालेंगे, तो वो लिक्विड भी हो गया उसका टेम्परेचर भी कम हुआ। जब भी आइस पानी में चेंज होती है यानी वाटर में चेंज होती है तो वो क्या करती है, हीट एब्जॉर्ब करती है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये लिक्विफाइड होने लग जाएगी धीरे धीरे, और ये जो पानी होगा ना नमक वाला पानी ये बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होगा, सही है ना, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होगा, क्यों, क्योंकि वो जो ठंडा बर्फ पिघल रही है वो हीट एब्जॉर्ब कहां से करेगी, बाहर से आ नहीं पा रही क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल लगा रखा है, तो अंदर से लेगी, तो धीरे 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 करके वो और ठंडा हो जाएगा, -10 पहुंच जाएगा, और आइसक्रीम कितने पे जम रही है आपकी, 2 डिग्री, -2 पे आराम से जम जाएगी। तो बर्फ से भी ठंडा पानी बना सकते हो, बस बर्फ में नमक डाल दो, समझ में आ रहा है, और इंसुलेटिंग कर दो, अगर आपने ओपन करा तो वो हीट बाहर से ले लेगा, फिर तो नहीं कर सकते आप, लेकिन इंसुलेटिंग मटेरियल से अगर आपने ढक रखा है तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यानी इंसुलेटिंग मटेरियल में आइस में नमक डाल दिया जाए तो धीरे धीरे उससे जो लिक्विड बनेगा वो उससे भी ज्यादा ठंडा होगा, आ रही है बात, आइस से भी ज्यादा ठंडा होगा, और आइस से भी ज्यादा ठंडा होगा तो ये बर्फ कुल्फी को क्या कर देगा, जमा देगा, आ रही है बात समझ में, तो करें इसको।